एडीजीपी जम्मू आनंद जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे जो जवान हैं उन्होंने शहादतें दी और हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन आप आज जो ये डेस्परेशन है घुसपैठ की और जिस तरह से हमने पिछले एक दो सालों में देखा है जम्मू रीजन को सुलगाने की कोशिश है, किस तरह के आप चैलेंजेस देखते हैं और जो ये डेस्परेशन है पाकिस्तान में, ये इसके पीछे क्या मंशा लगती है? जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी चुनौती को और पूरे सुरक्षा बल के साथ पुलिस चुनौती को लड़ने के लिए सक्षम है और ये पिछले 3 दशकों से हम लोग लड़ रहे हैं और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और ये जो आप देखेंगे कि नेशनल पुलिस डे था हमारा और अभी रात को हमने शहीदों की जो श्रद्धांजलि है वो हम नेशनल पुलिस डे पर हमारे मार्टिस मेमोरियल पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सभी जगह। तो ये हमें एक बलिदान देने के लिए अपने देश के लिए भी प्रेरित करता है और शहादतें सिक्योरिटी फोर्सेस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी हुई हैं और इस चैलेंज को हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, हालांकि कामयाबी मिली है और जो एक तरह से एक नेक्सस, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है पाकिस्तान की जम्मू रीजन में, उसको ध्वस्त करने में कुछ सफलता भी हासिल हुई है। 2 आतंकवादी हाल ही में पुंछ में अरेस्ट हुए हैं। सर, किस तरह से आप समझते हैं कि जो ये इकोसिस्टम है ये हेल्प कर रहा है इस आतंकवाद को जम्मू रीजन में? इस इकोसिस्टम को भी नेस्तनाबूद करने की पूरी हमारी कवायद इनके खिलाफ जारी है, जैसा कि आपने अभी देखा और बताया भी कि 2 आतंकवादी पुंछ में गिरफ्तार हुए हैं और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ऑपरेशंस इनके खिलाफ और भी तेज किए गए हैं। सर, ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को सेफ हैवन लगता है जम्मू रीजन में क्योंकि पहाड़ी रेंज है, इस अब विंटर आने वाले हैं तो खिलाफ हमारे जो आतंकवादी के खिलाफ जो हमारी गतिविधियाँ हैं और भी तेज होंगी। एक अंतिम सवाल सर, कुल क्या इनपुट्स हैं, कितने आतंकवादी इस वक्त घुसपैठ करने के लिए कोशिश में? अभी जो भी चैलेंज है हमारे सामने इसको लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। बहुत शुक्रिया। तो एडीजी जम्मू जी का कहना है कि जो भी चैलेंजेस इस वक्त पुलिस के सामने हैं उसको फेस करने के लिए पुलिस जो है सक्षम भी है, वो तैयार भी है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू।